डियर पेरेंट्स, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इस दुनिया जमाने के बारे में नहीं, मुझे आपसे मेरी ही बातें करनी है, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी कहने की। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि मुझे भी अब आदत नहीं है ऐसे चुप चुप रहने की। बस डर लगता है कि आपसे कुछ भी कहूँगा तो आप गुस्से में डांटोगे, मैं पूरी बात खत्म भी ना कर पाऊँ और पहले से ही कह दो तुम अपने ड्रामे बंद करो। अपने दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया हूँ, मेरे फोन को ब्लेम करके मुझे डांटोगे तो नहीं ना पापा? आपकी उम्मीद से हमेशा कम मार्क्स ही आए हैं मेरे, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश बहुत करी थी। अब आप ही दूसरों से मुझे कंपेयर करोगे तो मैं सुकून कहाँ ढूंढूंगा? इस फील्ड में मुझे समझ नहीं आता है, जबकि मैंने मेहनत बहुत करी थी पापा। वो लोग आज बोलेंगे और कल भूल भी जाएंगे उसी बात को। मैं अकेला नहीं पढ़ना चाहता, मुझे हिम्मत भी तभी मिलती है जब आप मेरे साथ होते हैं पापा। ओवर थिंकिंग करने की बहुत बुरी सी आदत हो गई है मुझ में, बिस्तर पे पड़े पड़े अपने ख्याल बदलते रहता हूँ। आपके सामने मैं और ऐसी झूठी हंसी नहीं हंसना चाहता पापा, मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताकर आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, पर आप मेरी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ही समझोगे ना? आपको मेरी बातें हो सकता है जल्दी समझ ना आए, तो प्लीज पापा थोड़ा सा वक्त देकर उसे समझने की कोशिश करना। आपसे मैं अपने मन की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि आप मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब तक मुझे कोई भी कमी नहीं होने दी, जो मांगा है वो दिया है, बस थोड़ा सा आपको और वक्त मिल सकता है क्या पापा? इस बिजी लाइफ ने हमको बहुत दूर कर दिया है पापा, काश आप बैठकर आराम से पूछते मुझसे सब ठीक है ना बेटा। मैं बेझिझक आपको सब बता देता और आप बिना जज किए बोलते, कोई बात नहीं बेटा मैं हूं ना, लव यू सो मच मम्मी एंड पापा।